नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। मैं आज आपके सामने हाजिर हूं इस बजट को समझाने के लिए कि बजट में इस बार क्या सस्ता हुआ है और क्या कुछ महंगा हुआ है, क्योंकि जो आम आदमी है उसके लिए बजट की ABCD ही यही है कि सस्ता क्या हुआ है और महंगाई कहाँ कहाँ बढ़ी है। जबकि जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनके कारखाने हैं, जो बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बजट बहुत बड़ी चीज हो सकती है। लेकिन आम आदमी तो बस ये समझता है कि बजट में क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ, उसके लिए आम बजट का मतलब बस यही है। तो चलिए अब समझते हैं कि बजट में महंगा क्या हुआ है और सस्ता क्या हुआ है। दरअसल इस बजट में चमड़े से बना सामान, चाहे वो आपके जूते हों, बेल्ट हों, हैंडबैग्स हों, आपके वॉलेट्स हों, आपके छोटे क्लच हों, तो चमड़े से बना जो भी सामान है उसकी कीमतें कम हो गई हैं। इसके अलावा डायमंड ज्वेलरी, जो डायमंड की ज्वेलरी है, चाहे वो पॉलिश वाली ज्वेलरी हो, चाहे वो जेम्स वाली ज्वेलरी हो, इस तरह की जितनी भी ज्वेलरी है वो सस्ती हो जाएगी। लेदर प्रोडक्ट सस्ते होंगे, डायमंड ज्वेलरी सस्ती होगी, क्योंकि आप सस्ता क्या होता है, देखिए जब सरकार कुछ ड्यूटीज कम कर देती है, यानी एक्साइज ड्यूटी कम कर देती है या आयात शुल्क घटा देती है, तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। और जब किसी सामान पर टैक्स ज़्यादा हो जाता है, यानी जो सरकार का टैक्स है, आयात शुल्क हुआ, एक्साइज ड्यूटी हुई, जब वो बढ़ा दी जाती है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो यही सारा खेल है बजट में महंगे और सस्ते का। हम पूरा मैथमेटिक्स आपको समझा रहे हैं कि बजट में महंगा क्या हुआ है और सस्ता क्या हुआ है। तो चमड़े बना सामान, कपड़ा, खेती का सामान, पैकेजिंग के डब्बे, मोबाइल फोन के चार्जर और जेम्स वाली ज्वेलरी, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि सस्ती हो गई हैं बजट में, और सरकार ने इन पर एक्साइज ड्यूटी कम की है, राहत शुल्क दिया है। और इसकी वजह भी यह है कि सरकार चाहती है कि इस तरह के छोटे कारखानों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जो लेदर का सामान बनता है वो छोटे छोटे कारखानों में बनता है, उन लोगों को बढ़ावा मिले जो वहां काम करते हैं। सामान सस्ता होगा तो सामान की मांग बढ़ेगी, लोग उसे पहनेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो उससे उन लोगों को रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर ऐसे लोग मजबूत होंगे। वहीं जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जिन्हें कहते हैं लघु उद्योग, उन्हें बढ़ावा मिलेगा ऐसे सामानों को सस्ता करने से। तो सरकार का जो विजन है वो विजन बड़ा क्लियर है कि उन्होंने वो सामान सस्ते किए हैं जहां से छोटे लोगों को या छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले। इसके अलावा जो महंगी चीजें हुई हैं, आप जरा वो सुन लीजिए कि महंगा क्या हुआ बजट में, यानी जोर का झटका धीरे से जो लगेगा वो आप सोच लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट टैक्स देने वालों को आम बजट 2021 में कोई राहत नहीं दी थी। हालांकि सरकार ने शराब, काबुली चना, मटर, मसूर की दाल समेत कई उत्पादों पर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने की घोषणा की थी। तो अब जो महंगा हुआ है वो है कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म करते हुए 7.5% आयात शुल्क लगा दिया गया है कैपिटल गुड्स पर, यानी इमिटेशन ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है ताकि इसके आयात को कम किया जा सके। विदेशी छाता भी महंगा हो गया है। इसके अलावा इस साल अक्टूबर में बिना ब्लेडिंग वाले फ्यूल पर भी 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी दी जाएगी, जिससे उसकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो इस वीडियो में आप ये आराम से समझ सकते हैं कि महंगा क्या हुआ है और सस्ता क्या हुआ है, और जो महंगा हुआ है वो क्यों हुआ है और जो सस्ता हुआ है वो क्यों हुआ है। साथ ही इस महंगे सस्ते के पीछे सरकार की क्या मंशा है, ये भी हमने आपको बताया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी और अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तमाम लोगों के साथ इसे शेयर भी करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।